सरकार बनते ही मोदी ने किया बड़ा ऐलान। एक ही झटके में पंजाब से लेकर हरियाणा तक के किसानों को किया मालामाल। किसानों के हित के लिए लिया बड़ा फैसला। किसानों को मिलेंगे अब करोड़ों रुपए, किसानों के अकाउंट में आएंगे खटाखट पैसे। अखिलेश राहुल हुए परेशान, मोदी के तीसरे कार्यकाल से किसान हुए खुश। किसानों के हित में मोदी ने लिया बड़ा फैसला। देश भर के किसानों ने मोदी को किया सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। तीसरे कार्यकाल के शपथ लेते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों को मालामाल कर दिया है। एक ही झटके में पंजाब, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है और विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। जहां विपक्ष सिर्फ खटाखट पैसे के वादे करता था, वहीं पीएम मोदी ने खटाखट पैसे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए हैं। किसानों में खुशी का माहौल देखने मिल रहा है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का काम करने का तरीका भी लोगों को खासा पसंद आ रहा है, क्योंकि सरकार बनते ही पीएम ने बड़ा ऐलान किया है और किसानों के चेहरे पर स्माइल के साथ खुशी ला दी है। दरअसल सरकार बनते ही पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी करने का आदेश भी दे दिया है। और ऐसे में किसानों का इंतजार भी लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि इस किस्त को लेकर किसानों को काफी इंतजार करना पड़ता है। दरअसल इस योजना के तहत 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता को हर साल किसानों के खाते में 3 किस्तों के माध्यम से जारी की जाती है। हर किस्त के अंतर्गत सरकार किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजती है। लेकिन अब किसानों को पीएम किसान निधि की अगली किस्त का इंतजार था, लेकिन सरकार बनते ही पीएम मोदी ने उनका इंतजार खत्म कर दिया है और किसानों के हित में बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन इन सबके बीच सवाल है जो लोगों को परेशान कर रहा है कि आखिर मोदी सरकार ने सबसे पहला फैसला किसानों के हित में ही क्यों लिया? क्यों मोदी ने तीसरे कार्यकाल के शपथ लेते ही किसानों की किस्त जारी कर दी? क्यों एक साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत देश के कई राज्यों के किसानों को मालामाल कर दिया? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि मोदी सरकार ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में किसानों के हित के लिए कई सारे फैसले लिए हैं, क्योंकि पीएम मोदी के लिए किसान सर्वोपरि है। मोदी सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि किसानों को कोई भी परेशानी ना हो और हर फैसला किसान कल्याण के लिए ही लिया जाए। जैसे इस बार भी किसानों के हित में फैसला लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार समर्पित है। दूसरी एक वजह ये हो सकती है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी, पंजाब, हरियाणा में थोड़ा झटका लगा है और इस झटके से उभरने के लिए किसानों को अपनी तरफ करने के लिए उनके हित में ये फैसला लिया है, ताकि एक बार फिर किसान तबका पीएम मोदी की तरफ हो जाए और इस बार जो नाराजगी लोगों की थी वो दूर हो जाए। इस वजह से ही शायद पीएम मोदी ने पहला बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया है और सरकार बनते ही किसानों के अकाउंट में 17वीं किस्त डालने के पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी वजह से पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पहला फैसला किसानों के हित में ले लिया है। मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस किस्त के तहत तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में जाएंगे। पीएम किसान निधि से जुड़ी फाइल पर साइन करने के बाद मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह किसान कल्याण के लिए समर्पित है। पदभार संभालने के बाद पहला फैसला किसानों के कल्याण के लिए किया गया है। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए और भी बेहतर कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार ने पीएम किसान निधि के तहत 28 फरवरी को किसानों के खाते में 16वीं किस्त के पैसे भेजे थे। हालांकि इस किस्त को जारी हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में देश भर के करोड़ों किसानों को 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार था और पीएम मोदी ने उनका अब ये इंतजार खत्म कर दिया है और उनको बड़ा तोहफा दे दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाता है। 2,000 रुपए की 3 किस्तों में किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे जाते हैं। वैसे सरकार बनते ही पहला फैसला किसानों के हित में लिया गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और देश दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।